पीएम की सिक्योरिटी में चूक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल फाइल कर सकते हैं रिपोर्ट। पंजाब हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार भी दे सकते हैं रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार से चूक से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लेने को कहा। सूत्रों के हवाले से खबर, अभी चूक से जुड़े दस्तावेज हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को देने का काम जारी। बीजेपी का चन्नी सरकार पर वार, कहा किस हैसियत से सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी को चूक से जुड़ी सारी जानकारी दी। फिरोजपुर में पीएम के यात्रा के दौरान रोका गया था रास्ता, आधे रास्ते से लौटे थे पीएम, 150 लोगों पर रिपोर्ट की गई है दर्ज। आज से देश में दी जाएगी बूस्टर डोज, हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर के साथ 60 साल से ज्यादा बुजुर्गों को मिलेगी डोज। बूस्टर डोज के लिए नए सिरे से जरूरी नहीं रजिस्ट्रेशन, सिर्फ स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट बुक नहीं कराने वाले सीधे वैक्सीन सेंटर पर जा पाएंगे, गंभीर बीमारी का सर्टिफिकेट देने की भी जरूरत नहीं। दूसरी डोज के 9 महीने बाद लगेगा बूस्टर डोज, सरकार ने इसको दिया है प्रिकॉशन डोज का नाम। कई राज्यों ने बूस्टर डोज के लिए अलग से बनाए हैं सेंटर, किए गए हैं व्यापक इंतजाम। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया और कोरोना टास्क फोर्स प्रमुख के साथ हालात पर की चर्चा। पीएम आवास पर 3 घंटे तक चली समीक्षा बैठक, पीएम मोदी ने कोरोना नियमों का पालन कराने को कहा। समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन पर खास जोर दिया, कहा मिशन मोड में चलाया जाए वैक्सीनेशन अभियान। कोरोना के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी का निर्देश, जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाए। पीएम मोदी जल्द मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, कोरोना संकट से निपटने के उपायों पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से दहशत, एक दिन में 22,751 केस। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ी, एक दिन में 17 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर में लगातार हो रहा है इजाफा, 23% से ज्यादा हुई संक्रमण दर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, कहा अभी नहीं लगाएंगे लॉकडाउन। दिल्ली में आज फिर होगी आपदा प्राधिकरण की बैठक, कुछ भी बंदिशों पर हो सकता है विचार। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज, एक दिन में 44,000 से ज्यादा मामले। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 19,474 नए केस, शनिवार से कुछ केस कम। मुंबई में कोरोना से 7 लोगों की मौत, नई पाबंदियों के बीच कुछ केस घटे। पुणे में भी चिंता बढ़ा रहे हैं कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े, एक दिन में 4,029 नए केस। महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं डॉक्टर, अब तक 400 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित।